फ्रेंड्स, अभी देखिए आपके बारिश शुरू हो गई है, तो बहुत से प्लांट्स में से हो गए जो आपको एक मरती हुई सी हालत में दिखेंगे, तो उनका इस टाइम हमको कैसे हम उन्हें बचा सकते हैं, तो आइए देखते हैं। इस टाइम इस तरह की हालत में आपको कई प्लांट्स दिख सकते हैं। ये अभी पूरी समर्स बहुत अच्छे चल गए, लेकिन वहाँ भी एक ऐसा ही गिर रहा है। तो अब इसके हम क्या करेंगे, जितने ये अच्छी अच्छी डालियाँ दिख रही हैं ना, इनको कैंची से हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए ये है ना, ये यहाँ से गल रही है, तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे ऐसे। ये है, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरह से इनको क्लीन कर लिया हमने, जहाँ तक वो गल रही थी निकाल दिया। और उसके बाद इसमें कोई भी आप एंटी फंगस पाउडर या हल्दी या सिनेमन पाउडर लगा के आप इन्हें लगा सकते हैं। मैंने अभी इसमें बाविस्टिन लगा रही हूँ, तो आपके पास जो है आप वो लगा दीजिए इसको। और जो मैंने ये सॉइल मिक्स लिया है, ये सैंडी है, मतलब इसमें करीब 60% इसमें सैंड है और बाकी इसमें गार्डन सॉइल है। कोई इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डला है, कुछ भी नहीं डला है। तो इस तरह से ये लग के तैयार हो गए, और अब इनको मैं किसी इनडायरेक्ट सनलाइट वाले शेडेड एरिया में रखूँगी, जिससे इसमें पानी ज़्यादा ना गिरे। आई थिंक हफ्ते भर में इनकी रूट्स निकल आनी होंगी, और जो एक दो नहीं लग पाएंगे वो हट जाएंगे, बाकी लग ही जाएंगे मेरे। तो इस तरह से आप भी इनको बचा सकते हैं। नेक्स्ट पानी इनमें तभी डालूंगी जब ये ऊपर की जो मिट्टी है ये सूखने लगेगी। अभी ये सब अच्छी खासी मॉइस्ट है, तो इसमें अभी मैं पानी नहीं डाल रही हूँ बिल्कुल भी। और इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में शेडेड एरिया में रखूंगी, जहाँ पे इसे रोशनी मिले लेकिन बारिश इसके ऊपर बिल्कुल ना गिरे। और जब ये 15-20 दिन में रेडी हो जाएंगे, उसके बाद और एक महीना तैयार मतलब वेट करूंगी इनके अच्छे से ग्रो हो जाने के बाद, फिर बड़े पॉट में इन्हें शिफ्ट कर दूंगी।